हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद द चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं हूँ स्वीटी, आप सबका फैशन डिज़ाइनर का टीचर। सबका मन में एक ही सवाल होते हैं कि टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में क्या फ़र्क होते हैं। इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो होते हैं वो होते हैं इलूस्ट्रेशन। इलूस्ट्रेशन मतलब होते हैं कि कोई भी चीज़ को दिमाग में लाना, उसको इमेजिन करना, फिर उसको पेपर में बखूबी उतारना। सेम टू सेम, सपोज आप कुछ भी सोच रही हो, जैसे कि एक ड्रेस है जिसका कॉलर थोड़ा चौड़ा है, इधर एक रेड कलर का फ्लावर है और इधर एक ब्लू कलर का फ्लावर है। जैसी आप सोची हो उसी तरह एक पेपर में ड्राइंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट बड़े कपड़े में अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे खर्चा हो जाएगा और बहुत सारे पैसे वेस्ट भी हो जाएगा, और कपड़े भी अच्छा दिखने ना लगे तो कपड़े भी वेस्ट हो जाएगा। फैशन डिज़ाइनिंग क्या होते हैं ये हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। जैसे कि नया कुछ सोच जो सबसे यूनिक और सबसे अलग और देखने में बहुत खूबसूरत लगे और सबको पसंद हो, और अपने आप को नए ज़माने के सोच के साथ ले चलना और खुद से एक नया ट्रेंड बनाओ। सो दोस्तों, क्या आप तैयार हो मेरे साथ फैशन डिज़ाइनिंग के सफ़र में चलने के लिए? सो दोस्तों, ड्राइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैशन डिज़ाइन के लिए। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि कैसे ड्राइंग किया जाता है, उसके बाद उसको कैसे 3D शेप दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको एक पेपर कटिंग करके एक डॉल पे अप्लाई करेंगे। अगर कोई ओढ़नी को शॉर्ट करना हो या फिर लॉन्ग करना हो, या फिर कोई लहंगा को शॉर्ट करना हो या लॉन्ग करना हो, हम उसको पहले डॉल पे अप्लाई करके देखें। जो सबसे खूबसूरत या अच्छा लगेगा वो हम अपने कपड़े का माप देके बनाना चालू करेंगे। साथ ही में आप सबको फैब्रिक पेंटिंग सिखाएंगे, जैसे फ्रूट इम्प्रेशन, फ्लावर इम्प्रेशन, वेजिटेबल इम्प्रेशन, नेचुरल इम्प्रेशन, लीफ इम्प्रेशन, एनिमल इम्प्रेशन, बार्ड इम्प्रेशन, और साड़ी, सलवार, कुर्ती, टी शर्ट, ब्लाउज, क्लॉथ, ड्रेसेस, नैपकिन, बेडशीट, पिलो कवर और भी बहुत चीज़ों में कैसे ये अप्लाई होते हैं हम आपको बखूबी सिखाएंगे। ये सारी चीज़ हम बनाए हैं और कैसे बनाए हैं हम आपको बखूबी से सिखाएंगे। सामान खरीदने पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक ड्राइंग बोर्ड खरीदने पड़ेगा जिसके ऊपर रख के ड्राइंग करना। इसके बाद एक ड्राइंग कॉपी खरीदने पड़ेगा जिसके पेपर में आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। उसके बाद एक कलर पैलेट खरीदने पड़ेगा, और उसके बाद एक वाटर कलर खरीदने पड़ेगा। इस चीज़ के साथ ही हम दिखाएंगे। पहले हम इस कलर के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फैब्रिक पेंटिंग करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ब्रशेस खरीदने पड़ेगा जिसके साथ हम ड्राइंग कर सकें, और कुछ इस तरह डिज़ाइनिंग स्टिकर्स खरीदने पड़ेगा जिसके साथ ड्राइंग को और खूबसूरत लगेगा, जिसको इस्तेमाल करने से आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत और बेहतर लगेगा। चलिए फटाफट एक ड्राइंग करके आप सबको दिखाते हैं, और ये ड्राइंग रीता चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट पर दे दिए जाएगा। आप लोग को डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके ये हमें सेंड करो, और हम भी आपका ड्राइंग देख सके और जो मिस्टेक है वो हम बता सकें। सो दोस्तों, मेरा ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर व्हाट्सअप करके भी बताएं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हुआ तो बिल्कुल हमें बताएं, और हम आपको पूरा मदद। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब
तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहे और सेफ रहे और बहुत बहुत सारे प्रैक्टिस करते रहे।